आप सभी को अंशु वर्मा की तरफ से नमस्कार। आपका हमारे कंपटीशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से स्वागत है। आज हम हमारे फास्टैग रिविजन इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रतिशत लाभ हानि और छूट के कई अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके आपके सामने लाए हैं। प्रश्न वो हैं जो पिछले प्रश्न पत्रों में थे या तो फिर अति महत्वपूर्ण है। हम समय की बर्बादी किए बिना प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि नूतन अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करती है, शेष राशि का 20% कपड़े पर तथा पुनः शेष राशि का 40% मनोरंजन पर खर्च करती है। यदि वह 8,640 रुपये बचा लेती है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मासिक आय से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दो तरीके के होते हैं। जो पहला साधारण प्रश्न होता है उसमें हमें मासिक आय पता होता है और हमें शेष राशि निकालनी होती है। जो भी हमारा खर्च होगा उस खर्च को आवंटित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंतिम में हमें शेष राशि मिलती है। लेकिन जो दूसरे तरीके का प्रश्न होता है उसमें शेष राशि बताई जाती है और खर्चों का प्रतिशत बताया जाता है। इस जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें मासिक आय को 100 रुपये मान के आगे बढ़ना है और जो भी परिस्थिति दी हुई है, जो भी कंडीशन दिया हुआ है, उसके साथ आगे बढ़ते जाना है और हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे। देखते हैं। मान लीजिए कि नूतन का मासिक आय 100 रुपये है और उसका जो पहला खर्चा है 25% का है वो भोजन पे। अगर 100 का 25% हम निकालें तो 25 रुपये होता है। 25 रुपये जो दाएं हाथ में है वो खर्च कर चुकी है। इसके पश्चात इसके पास कितने रुपए बच जाएंगे? 75 रुपये। अब जो अगला खर्च होगा वो 25 से नहीं 75 से होगा। अब 75 से अगला खर्च क्या होगा? प्रश्न के जो आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 75 से 20% जो है वो कपड़ों पे खर्च होगा। 20% कपड़ों पे खर्च होगा। देखिए 75 का 10% कितना होगा? 7.5 रुपये होगा, एक अंक छोड़ के बटा 10, 7.5। उसी प्रकार से 20% 75 का 15 रुपये होगा। अगर उसने 75 से 15 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास 60 रुपये शेष बचेगा। अब उस 60 रुपये में भी उसका कुछ खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? 40% खर्च हो रहा है। किस पे खर्च हो रहा है? मनोरंजन पर। तो मनोरंजन पर 40% उसका खर्च हो रहा है। 60 का 10% 6 रुपये होगा और 40% 24 रुपये होगा। इस 24 रुपये खर्च करने के पश्चात उसके पास कितनी राशि शेष बच जाती है? 36। अगर उसका मासिक आय हम 100 मान के चले हैं, मासिक आय 100 मान के चले हैं और हम शेष राशि तक पहुँचे हैं, ये शेष राशि 36 रुपये हमें मिली है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है शेष राशि 36 नहीं है, 8,640 है। हम देख सकते हैं कि जो 8,640 है वो 36 से बहुत ज़्यादा टाइम्स है, गुना है। देखते हैं कितना गुना है। यहाँ पे इससे डिवाइड करने के पश्चात जो अंक आएगा उसके आधार पे हम मासिक आय निकाल पाएंगे। देखिए 8,640 को साइड में 36 से डिवाइड कर लीजिए। ये जो 36 अंक है जो छोटा है ये हम देख पा रहे हैं 4 से डिवाइड होगा और ये अंक भी 4 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसका अंतिम दो अंक जो है वो 4 से डिवाइड होता है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 दुनी 8, 4 एकम 4, 2 हाथ में 24, 4 छके 24, 0। अब देखते हैं ये 9 से क्या डिवाइड हो पाएगा। 2 1 3 6 9, विभाजन के नियम के अनुसार ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका जो सम है वो 9 आ रहा है। 9 से डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 3 हाथ में 36, 9 चौक 36, 240। इसका मतलब ये है कि 36 8,640 के 240 गुना है। इसी प्रकार से अगर हमको कोई भी वैल्यू निकालने बोल देता, अगर भोजन का कुल मूल्य निकालने बोल देता कि भोजन पे कितने खर्च हुए तो हम 240 से गुना करते। उसी प्रकार कपड़ों का कुल खर्च बोलता तो हम 240 से गुना करते। लेकिन यहाँ पे मासिक आय निकालने बोला है तो मासिक आय को 240 से हम गुना करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा उत्तर कितना है। हमारा उत्तर कुल मिला के 24,000 रुपये है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 तक अंक अधिक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये परीक्षा संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें एक कंडीशन दिया रहता है कि दो अलग अलग परीक्षार्थी हैं, इनके प्राप्त प्रतिशत दिए होते हैं। उसके साथ एक और बात दी होती है, ये बात ये होती है कि पहला जो परीक्षार्थी है ये उत्तीर्ण अंक से या तो कुछ अंक ज़्यादा रह गया या
या तो कुछ अंक कम रह गया, उसी प्रकार दूसरा परीक्षार्थी भी या तो कुछ अंक ज़्यादा रह गया या तो कुछ अंक कम रह गया। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहली बात हमको जानने के लिए है कि आप ये बता सकते हैं कि जो कुल पूर्णांक होता है वो अपने आप में कितना प्रतिशत अंक जो है कैरी करता है। देखिए 100%, कैसे? जब हमारा परीक्षा होता था तो हमारे मित्र और हम जब प्रतिशत की बात करते थे, हम कहते थे कि हमारा 75% अंक आया है, मित्र कहता था कोई 70%, कोई 80%, कोई 90%। अगर उनमें से कोई ये कह देता कि उसके 100% अंक आए हैं तो हम समझ जाते हैं कि उसके उतने ही अंक आए हैं जितना कुल पूर्णांक है, मतलब कि कुल पूर्णांक 100% का होता है। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले जो परीक्षार्थी का पहले परीक्षार्थी का प्राप्त प्रतिशत दिया है उसको लिख लीजिए, दूसरे परीक्षार्थी का प्राप्त प्रतिशत लिख दीजिए। पहला जो परीक्षार्थी है वो कितना अंक ज़्यादा रह गया, आप देख पाएंगे वो कितना अंक ज़्यादा रह गया, 15 अंक, तो यहाँ +15 लिख दीजिए। ये कितना अंक कम रह गया, -10 अंक कम रह गया। अब इसमें आप ये कीजिए कि ये दोनों को आपस में घटा दीजिए, जब 35 में से 30 घटाइएगा तो आपको 5% अंक प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 15 में से -10 घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा और ये अंक 25 बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि उस परीक्षा में 5% अंक का मतलब 25 अंक होता है, इसी प्रकार से 1% अंक का मतलब 5 अंक होगा और 100% अंक का मतलब 500 अंक होगा। और 100% मैंने बताया है आपको कि किसी परीक्षा में कुल पूर्णांक का अंक होता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? देखिए ऐसे जो प्रश्न होंगे ये वेन आरेख के प्रश्न हैं। इसमें खास बात आप यहाँ से देखिएगा कि इसमें जब पूछ लेता है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, एक अंक दिया रहता है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल किया जाता है। इसमें आमतौर पे दो विषय दिए जाते हैं, दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ये प्रश्न तो अंग्रेजी या गणित जो कि एक हम विषय के रूप में ले रहे हैं, ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि पूछ ले कि कुछ प्रतिशत छात्र जो है या कुछ प्रतिशत जनता जो है वो चाय पीती है या कॉफ़ी पीती है या हॉकी खेलती है, क्रिकेट खेलती है। हाँ, इसके साथ खास बात यह होगी कि यह भी कहा गया होगा कि इनमें से दोनों खेलने वाले या दोनों पीने वाले, ये जो दोनों करने वाले होते हैं क्वेश्चन यहीं से ब्रेक होता है। देखिए इसमें आप यह कीजिएगा कि दो वृत्त बना दीजिए, दो रिंग बना दीजिए और जो भी विषय है, यह तो पढ़ाई से रिलेटेड था, यहां पर आपने लिख दिया अंग्रेजी और यहां पर आप लिख देंगे गणित। इसके बाद ये जो दोनों में जो है वो अनुत्तीर्ण है तो कंडीशन जो है दोनों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत वाला वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है कंडीशन उठाइए, दोनों जो है, दोनों क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 19, तो यहाँ पे अब 19 लिख दीजिए। अब इस रिंग की ओर ध्यान दीजिए और देखिए ये जो 19 आया है क्या ये रिंग में है? हाँ बिल्कुल है। अब बताइएगा कि जो कुल प्रतिशत में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे अंग्रेजी में, 58%। अगर ये 19 आ चुका है तो 58 में से 19 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 39 मिलेगा, तो 39 यहाँ पे लिख दिए। अब उसी प्रकार गणित की ओर बढ़ते हैं, गणित में है कहा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, 37%। अगर ये 19 जो है गणित के रिंग में भी है तो कितने प्रतिशत और आ जाएंगे और गणित में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, 18%। अब देखिए तीन वैल्यू आ चुकी है जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की है, आप इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने के बाद जो है प्रतिशत रूप में यहाँ लिखिए, देखिए 9, 9, 18 और 8, 26 का 6 दो हाथ में, 2, 1, 3, 3, 1, 4 और 4, 3, 7, तो किसी परीक्षा में उपस्थित छात्रों में अगर 76% अनुत्तीर्ण होंगे तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होंगे, 24 होंगे। बिल्कुल हम अगला प्रश्न देखते हैं, आलू के भाव में 25% कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इसके वजह से व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए साथियों है ना, ये जो प्रश्न है इसमें व्यय दर और खपत संबंधित होता है एक दूसरे से। व्यय क्या होता है,
कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं, जो भी उसका भाव हो और भाव के आधार पे जो खपत हो वो व्यय होता है। हम छात्र जीवन में जो हमारा बजट होता है वो उस पे हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा बजट पार ना जाए। अगर मान लीजिए कुछ हमें रुपए मिलते हैं कि आप ये रुपए ये राशन में लगाइए, तो हम कोशिश करते हैं उतने ही रुपए में राशन हो जाए। हाँ, जो कंडीशन बदलते रहता है, कभी भाव जो है बढ़ जाता है। अगर भाव बढ़ जाता है तो खपत को हमको कम करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर भाव अगर कम हो जाए तो हम अपने फायदे अनुसार खपत भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रश्न में ये बात ध्यान रखना है कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तनहीन है। अब देखिए, भाव कम हो जा रहा है और खपत हमें बढ़ाना है। आप जो भाव का प्रतिशत है वो यहाँ पे लिख दीजिए। 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। कम होने का मतलब है यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। अब देखिए खपत कितना बढ़ेगा। आप इस अंक को दोबारा लिख दीजिए 25/100, और ये रेखा थोड़ा बड़ा करके वापस उल्टा 100/25 लिख दीजिए साथ में। अब आपको करना ये होगा कि इस माइनस के जगह पे यहाँ पे इसका उल्टा साइन, मतलब कि प्लस लिख दीजिए, और यहाँ हमेशा गुणा रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई अन्य प्रश्न में यहाँ प्लस दिया है, आपको यहाँ माइनस लिखना होगा, गुणा तो गुणा ही रहेगा उल्टा होके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत आएगा वही उत्तर होगा हमारे लिए। 25, और यहाँ 100+25 जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा, और गुणा में 100। 25 एकम 25, 25 पचे 125। 5 से 100 को काटिएगा तो 5 दुनी 10, ये 0, मतलब कि 20% उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए। चुनाव में दो ही प्रत्याशी खड़े थे तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखिए, ये जो प्रश्न है ये मतदान से संबंधित प्रश्न है। ये जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल अपने तरफ होते हैं, लेकिन जिसको आता है उसके लिए इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है। इसमें फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, जो मतदान की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है। इसमें आमतौर पर कुल मत हमें पता नहीं होता है और कुल मत निकालना होता है, लेकिन अगर अगर किसी प्रश्न में कुल मत पता हो तो कुल मत जो दिया है उसके आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें प्रक्रिया पहले लिख लीजिए। देखिए, जब कहीं मतदान होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि कुल मत गिना जाता है मतदान से पहले। उसके बाद क्या होता है, मतदान होता है, मतदान होता है, मतदान अगर हुआ उसके पश्चात। ये जो प्रश्न है ये ईवीएम के जमाने के नहीं है, ये बैलेट सिस्टम के जमाने के हैं। इसमें वैध और अवैध भी बातें होंगी। तो मतदान जब होता है उसमें से देखा जाता है कि कितने मत अवैध हैं, उसको साइड कर दिया जाता है और वैध मतों को काउंट किया जाता है। तो उसके बाद होता है वैध मत। अवैध मत के आधार पे दो बातें निकाली जाती है, एक विजेता प्रत्याशी और एक हारा हुआ प्रत्याशी। देखिए, अगर प्रश्न में ये परिस्थिति दिया हुआ है कि जो ये विजेता प्रत्याशी या हारा हुआ प्रत्याशी कुल मतदान या उपस्थित मत से निकालना है, तो आप उसके वैल्यू के परसेंटेज निकाल के निकालिएगा। अभी जो प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं, हमें कुल मत पता नहीं है, हम 100 मान के चलते हैं। कुल मत मान लीजिए 100 है। अब इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि कितने मतदाता अनुपस्थित थे, तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा मतदान हुआ है तो 100 मतदान 100 का 100। अब इसके पश्चात कंडीशन चालू होती है। कंडीशन ये कहा गया है कि 20% मत अवैध है। अगर 20% जो मत अवैध है, 20% अवैध है, तो हम जान सकते हैं कि वैध 80 होगा। 100 का 80% 80 होगा, तो वैध मत की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। इसके पश्चात इस 80 से हमें जो है सवाल निकालना है, ये
80 में यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद कहा गया है कि जो विजेता प्रत्याशी है उसे वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है। इसे 60% प्राप्त हुआ होगा वैध मत का, तो इसे ज़रूर 40% प्राप्त हुआ होगा। अवैध मत को नहीं गिना जाता है, वो विजेता और हारा हुआ प्रत्याशी को जो है उसमें अंतर नहीं निकाल पाता है, है ना। अवैध मतों को साइड कर दिया जाता है। अभी देखिएगा, 80 मतों में से 60% जो विजेता प्रत्याशी को मिला है ये निकालते हैं। 80 का 10% 8 होगा, 20% 16 होगा, उसी प्रकार से 30% 24 होगा, और 24 का डबल 48 होगा। अगर विजेता प्रत्याशी को 48 मिला है, अब यहाँ 40% हारा हुआ प्रत्याशी देखते हैं, 10% 8 होगा, उसी प्रकार 40% 32 होगा। अगर कुल मत 100 था तो विजेता प्रत्याशी को 48 मिला और हारा हुआ प्रत्याशी को 32 मिला है। अब जानने वाली बात यह है कि हमेशा प्रश्न में ये कहा गया होगा कि विजेता प्रत्याशी व हारा हुआ प्रत्याशी में मतों का अंतर इतना है, फलाना है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि विजेता प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी इतने मतों से जीता है। बातें एक ही है, बातें ये है कि ये दोनों का अंतर बताया जाता है। 48 या और 32 में से अंतर देखिएगा 16 होता है, लेकिन हमारे प्रश्न में जो अंतर था, जो कहा गया था प्रश्न में कि 28,800 मतों से जीता, अगर 100 मत थे तो ये विजेता प्रत्याशी जो भी परिस्थिति दी हुई थी उसके हिसाब से आगे बढ़े तो 16 मत से जीता। उसी प्रकार जो है जो प्रश्न में दिया है 28,800 मतों से जीता, जैसे हमने जो पिछला प्रश्न किया था कितना टाइम से वो निकाल लेंगे। 16 कितना टाइम्स होता है देख लीजिए, साइड में 28,800 से 16 को डिवाइड कीजिए, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, और इसके आखिरी में 2 शून्य, जो नियम के आधार पे आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो सारे अंक 4 से विभाजित होंगे। ये 4 से विभाजित हुआ, 4 चौक 16, ये 4 सत्य 28, 8 आता है, 4 दुनी 8, 2 शून्य, ये भी अंक 4 से विभाजित होगा, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 3 2 32, 8 चौक 32, 2 शून्य। मतलब ये है कि ये जो 16 है 28,800, इसका 1800 गुना होता है। अब इस 1800 गुना का हम कहीं भी उपयोग करके जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम बना सकते हैं। अगर वैध मत पूछता तो 1800 से गुना करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल करके विजेता प्रत्याशी का जो कुल मत है ये पूछता कि कितना मत उसको मिला है, तो 1800 से यहाँ गुना करते हैं। लेकिन पूछा क्या है कि आपको कुल मत बताना है, तो कुल मत के लिए यहाँ 1800 से आप गुना कीजिए, और इस प्रकार से आप उत्तर क्या आपको मिलता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 कुल मत थे। प्रश्न देखते हैं, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। देखिए ये जो प्रश्न है ये क्रमिक प्रतिशत का प्रश्न है, ये साधारण तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ने से, लेकिन ये प्रश्न सॉल्व करने का, हल करने का एक और तरीका होगा जो क्रमिक प्रतिशत का तरीका होगा। मैं पहले तरीके के बाद दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। पहला तरीका देखिए, राम ने कितने में खरीदा, 1,000 में, और 1,000 पे कितने प्रतिशत का लाभ लेकर उसने बेचा है, 20% का, 1,000 पे 20%, 1,000 पे 10% कितना होगा, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दे तो 100 रुपये, 20% 200 रुपये, 200 रुपये का लाभ मिला है राम को बेचने पे, तो इसका कुल मूल्य हो गया 1,200 रुपये, 1,200 रुपये में श्याम ने खरीदा। अब श्याम ने क्या किया है, 10% घाटा सहकर, मतलब लॉस सहकर मोहन को बेचा है, इसका 10% कितना होगा, 10% इसका 120 रुपये होगा, जो कि माइनस में होगा क्योंकि उसे घाटा हुआ है। अब इसका जो मोहन को बेचने का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, इससे 1,200 से 100 कम कीजिएगा तो 1,100 रुपये होता है, 20 और कम कर दीजिएगा तो 1,080 रुपये होगा। तो मोहन ने इसे कितने रुपए में ख़रीदा होगा, 1,080 रुपये में। अभी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में दो बार जो है प्रतिशत का उपयोग है, 20%, 10%, और 20% और 10% साइकिल एक ही था, एक ही प्रोडक्ट था, इसमें दो बार प्रतिशत लगा। इसमें आपको क्रमिक प्रतिशत का उपयोग करना है। क्रमिक प्रतिशत किस तरीके से क्रमिक प्रतिशत से बनाते हैं इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए
ये 20% को ये आप +20% लिख दीजिए, और जो 10% घाटा है इसको -10%। क्रमिक प्रतिशत या सक्सेसिव परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो देखिएगा, इसको क्रमिक प्रतिशत कहते हैं। x+y+xy और इसके साथ है डिवीजन में 100, ये ऑपरेशन करने के बाद परसेंट निकाला जाता है। देखिए x की वैल्यू 20, y की वैल्यू -10, उसी प्रकार से x की वैल्यू 20 गुणे में y की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 100, ये सब चीज़ होगा प्रतिशत में। अब देखिए 20 और 10 जो है प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 देगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 20 × 10 कीजिएगा तो 200 होगा, और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो -2 होगा, और ये हो जाएगा कुल मिला के 8%। ये प्लस में 8% आ रहा है। जो साइकिल का मूल्य राम का 1000 रुपये होगा, अगर हम इसका 8% निकाल दें और इस क्रय मूल्य में जोड़ दें तो कुल मिला के 1080 रुपये हो जाता है। और ये जो दोनों प्रतिशत जो हमने बार बार निकाला, इसकी जगह पे एक बार में संयुक्त क्रमिक प्रतिशत निकाल के हम ये उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक मेज को 400 रुपये में बेचने के अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही कठिन लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में एक तरफ विक्रय मूल्यों में अंतर बताया जाता है, कि कहा जाता है कि पहले मूल्य की अपेक्षा दूसरे मूल्य में बेचने से जो है परिस्थिति में परिवर्तन होता है, लाभ या हानि जो है अपेक्षाकृत इतने प्रतिशत बढ़ जाती है या घट जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए पहले सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, मूल्यों का अंतर जो होता है हानि प्रतिशत का अंतर के बराबर होता है। और जो हमने अभी परीक्षार्थी वाला प्रश्न किया था कुछ इसी तरह का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मूल्यों का अंतर 50 रुपये है, 50 रुपये का अंतर अगर सामने हो तो जो हानि का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, आप देखिएगा 5% जो है हानि का प्रतिशत बढ़ जाता है। ये जो अधिक होना या कम होना ये एक प्रकार का अंतर है, चाहे वो अधिक हो चाहे वो कम हो, वो अंतर ही है। अब यहाँ से आप आगे देखिएगा कि हम क्रय मूल्य पे कैसे आते हैं। मैं एक साधारण सा उदाहरण देके इसको समझाना चाहूँगा। दोस्तों समझ लीजिएगा कि दीपावली का अगला दिन है, अगली सुबह है, मैं एक पटाखा विक्रेता हूँ। मैं अपने पटाखा जो कार्टन मैं खरीद के लाया था उसमें 10,000 का एक कार्टन पूरा का पूरा रह गया, और सरकार की तरफ से आदेश आया है कि अब कोई भी पटाखा बेचते अगर पाया गया तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इस आदेश के बाद मैं क्या करूँगा, उस पटाखों को तो मैं विक्रय कर नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सोचूँगा कि अगर ये पटाखा ना तो मैं बेच के मैं उपयोग कर पाया इसके धन से, और ना ही इसे मैं अपने घर पे रख सकता हूँ, ये ज्वलनशील पदार्थ है। तो इसके पश्चात मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा कि किसी ऐसे बच्चों को दे दूँ जो खरीदने में असमर्थ है, और जो कुल मिला के बहुत संख्या में हो, और थोड़ा बहुत फोड़ के जो है एक मनोरंजन प्राप्त कर सके, एंजॉय कर पाए। तो मैं एक ऐसी बस्ती जाता और जाके वहाँ 10,000 का पटाखा है आपस में आवंटित करके आ जाता हूँ। उसके पश्चात मैं ये सोचता हूँ, मैं 10,000 रुपये का पटाखा खरीदा और मुझे कितना प्रतिशत का उस कार्टन से हानि हुई, पूरे के पूरे 100% का, 100% की हानि हो गई, क्योंकि मैंने सारा का सारा माल जो है दे दिया है ना। अब ये जो 100% की हानि हुई मुझे, तो कितने रुपए की हानि हुई, 10,000 रुपये की। तो इसका मतलब ये है कि अगर हानि 100% की होती है तो वो जो हानि 100% की है वो क्रय मूल्य के बराबर होती है। अब इस प्रश्न में आइए, अगर हानि का अंतर 5% है और ये अंतर अगर 100% हो जाए तो ये हानि का अंतर क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, इस 5% को मुझे अगर 100% बनाना है, 5 को 100 बनाना है तो मैं 20 से गुणा करूँगा। उसी प्रकार से अगर ये ऑपरेशन यहाँ किया हूँ जो इक्वल के एक साइड है तो मैं सेम इक्वेशन यहाँ करूँगा, ये कांस्टेंट नंबर से इसको भी गुणा करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, और ये 1000 क्रय मूल्य के बराबर होगा क्योंकि ये हानि जो है 100% की है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी रुपए में 4 नींबू खरीदा तथा उसे वह रुपए में 5 के भाव बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
देखिए ये जो प्रश्न है ये मात्रा से संबंधित प्रश्न है। इसमें जो जो क्रय मूल्य होगा, जो रुपए होंगे, वो दोनों कंडीशन में बराबर होंगे, चाहे आप खरीदते समय भी उतने ही रुपए थे और बेचते समय भी रुपए वही थे, लेकिन अंतर यहाँ पे मात्रा का है, इसलिए मात्रा से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहली बार में देखा गया कि चार नींबू खरीदे गए और दूसरी बार में देखा गया कि चार की जगह जो चार खरीदे थे उसमें से एक और जोड़ के पांच नींबू को बेच दिया गया। अब ये बताना है कि परिस्थिति लाभ की है या फिर हानि की है, और अगर दोनों में से जो भी है तो प्रतिशत कितना है। अब देखिएगा ऐसे प्रश्नों को जो मात्रा से संबंधित हो या वजन से संबंधित हो, तो एक छोटा सा आपको फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला ये होगा लाभ या हानि का जो भी प्रतिशत होगा उसके बराबर जो होगा वो होगा अंतर, मात्रा में अंतर, उसके बाद नीचे जो हर में होगा वास्तविक रूप में बेची गई मात्रा। ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें चार नींबू और पांच नींबू में एक नींबू का अंतर है, वास्तविक रूप से कौन कितनी नींबू दी गई बेची गई, पांच नींबू, और हम जो है अपने विवेक से ये बता सकते हैं कि हानि का कंडीशन है क्योंकि जितनी मात्रा खरीदी थी उससे ज़्यादा मात्रा दी गई है। तो एक बटा पाँच जो होता है वो 20% का भिन्न रूप होता है, और अगर आप भिन्न रूप और प्रतिशत रूप में अंतर नहीं बता पाते हैं तो यहाँ गुणा 100 से कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उत्तर। 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 और ये 0, 20%। तो ये है 20% हानि। प्रश्न देखते हैं, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% लाभ हुआ व दूसरे वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है ये इस प्रकार का प्रश्न है जिसमें जो है दो वस्तु होते हैं और उनका विक्रय मूल्य समान होता है। विक्रय मूल्य समान होने के साथ साथ ये दोनों वस्तुओं में एक वस्तु पे जो लाभ होता है और दूसरे वस्तु में जो हानि होती है उनका प्रतिशत भी समान होता है। तो इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य समान विक्रय मूल्य का प्रश्न है और साथ साथ समान लाभ और समान हानि का प्रतिशत है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, देखिए अगर परिस्थिति ये हो कि दो सामान का विक्रय मूल्य समान है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हानि होने वाला है, और हानि होगा आपको, और प्रतिशत रूप में कितना होगा ये देख लीजिए, 20% × 20%, जितना भी प्रतिशत दिया है उसको आप गुणा कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे लाभ है तो प्लस या हानि है तो माइनस, और प्लस माइनस हमेशा माइनस देता है, 0-0 कट जाएगा तो हानि होगी 4% की हानि। देखिए ये इन प्रश्नों में विक्रय मूल्य समान होता है, एसपी जो है सेम होता है। अगर यही जो प्रश्न है इस प्रकार होता कि सीपी सेम है और क्रय मूल्य समान कहता तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता। इसका मतलब है इस सौदे में ना लाभ होता और ना हानि होता अगर क्रय मूल्य समान देता। अगर विक्रय मूल्य समान दिया है तो लाभ हानि के प्रतिशत को गुणा कीजिए और 100 से इसे डिवाइड कीजिए, तो आपको जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो हानि होगी, वैल्यू वही आएगी, स्क्वायर से आप किसी नंबर का स्क्वायर कीजिए और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है, एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे घड़ी को 12% के हानि पर बेच दिया, कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में जो है संयुक्त रूप से क्रय मूल्य रहता है और दो वस्तुओं को बेचा जाता है, जैसे दो घड़ी है। ये प्रश्न देख के ऐसा लग रहा होगा कि हल करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दो घड़ी है, पहला घड़ी या दूसरा घड़ी, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का घड़ी है, पहला घड़ी दूसरा घड़ी, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, एक तरफ इसका जो लाभ प्रतिशत है जो कि 16% है आप यहाँ लिख दिए, इसका हानि प्रतिशत मतलब -12% है, और संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो ये कितने रुपये का है, 840 रुपये का
है ना। और इस सौदे में हम ये देखते हैं कि जो 2% लाभ या हानि का दिया है उसके बाद जो जो ओवरऑल है क्या होता है इस सौदे में, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो मतलब है दोनों का अगर हम निकाल लें तो यह शून्य होता है, 0%। ठीक है, अब करना आपको ये होता है कि आपको एक अंक, देखिए ये जो बीच में अंक होगा ये एक अंक से बड़ा होगा और एक अंक से छोटा होगा, आप क्रॉस में इसे घटा दीजिए, तो 16 से 0 घटाइएगा तो 16 मिलेगा और 0 से 12 घटाइएगा तो आपको 0 माइनस माइनस 12 मतलब 12 मिलेगा। और ये जो लाभ प्रतिशत था ये 0 है, ये जो लाभ प्रतिशत था इसका वैल्यू जब हम क्रॉस करके अनुपात रूप में निकाले तो ये जो मिलेगा ये क्रय मूल्य का अनुपात होगा। अब देखिए अनुपात निकाल चुके हैं, अब इसको और रिड्यूस कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। अब देखिए जब हमारा घड़ी का मूल्य 840 है तो और यहाँ अनुपात 3:4 आ रहा है तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये दोनों को जोड़ने पे, अगर इसे 3x 4x मान लें, ये दोनों को जोड़ने पे संयुक्त रूप से हमें 7x मिलता है, लेकिन हमारे घड़ी का संयुक्त क्रय मूल्य कितना है 840, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, और 120 का गुणा अगर हम इस तरफ करेंगे तो हमें 360 मिलेगा, वो घड़ी का क्रय मूल्य मिलेगा जो 16% लाभ से बेची गई, और 120 का गुणा यहाँ करेंगे तो वो घड़ी का क्रय मूल्य मिलेगा जो हमें 12% हानि से बेची गई। देखिए प्रक्रिया को समझिए, सबसे पहले प्रश्न में ये देखिए कि लाभ और हानि दोनों वस्तुओं में है, उसके साथ साथ जो कुल सौदे में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हमेशा ये दोनों के बीच का वैल्यू यहाँ आएगा, इसके बाद क्रॉस करके माइनस कर दीजिए और इस नंबर को इससे माइनस कीजिए, इस नंबर को इससे माइनस कीजिए, आपको जो अनुपात आएगा वो हमेशा ही क्रय मूल्य का अनुपात होगा, और ये जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा इसको आपस में जोड़ने पे जो अंक आ रहा है उससे रिलेट कीजिए कि कुल क्रय मूल्य कितना था, तो आपको 120 गुना मिल रहा है, 120 गुना मिल रहा है तो इसको भी 120 गुना कीजिए, इसको भी 120 गुना कीजिए, और जो प्रश्न में पूछा गया है वो उत्तर यहाँ पे अब बता दीजिए। पूछा गया था कि लाभ पर बेचने वाली घड़ी, इसका मतलब है 360। देखते हैं, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दुगुनी है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न में लाभ और हानि दोनों की बात की गई है, जो क्रय मूल्य है उसके एक तरफ लाभ होगा और एक तरफ हानि होगी ना, दो अलग परिस्थिति है, एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है, और ये बात कहा गया है कि जो लाभ है वो हानि जितना हो रहा है उससे दुगुना है, जितना रुपए का हानि हुआ है उससे दुगुना लाभ हो रहा है, जो दूसरा विक्रय मूल्य है उस पर। ऐसे प्रश्नों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दे कि दोनों परिस्थिति में लाभ हो रही है या फिर दोनों परिस्थिति में हानि हो रही है। आप देखिए कैसे इसको हल कीजिएगा, देखिए एक लाइन खींच लीजिए और बीच में क्रय मूल्य मतलब CP लिख लीजिए, जो हानि की परिस्थिति वाला विक्रय मूल्य है जो कि 600 रुपये है वो यहाँ लिख लीजिए, जो लाभ की परिस्थिति वाला है 840 वो यहाँ लिख लीजिए। अब कंडीशन पे ध्यान दीजिए, परिस्थिति पे ध्यान दीजिए, परिस्थिति ये कहता है कि जितना हानि हुआ है, मान लीजिए एक्स हानि हुआ है उससे दुगुना लाभ हुआ है, तो मतलब इतना बेचने में क्रय मूल्य से दुगुना मतलब 2x लाभ हुआ होगा। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आपको क्रय मूल्य निकालना है, आप इस लाइन को देखिए, 600 से 240 की ओर अगर हम मुड़ेंगे तो 240 डिफरेंस आएगा, है ना, ये लाइन से अगर इस तरफ जाएंगे तो आपको कितना होगा 240। अब वैसे ही अगर x से 2x की तरफ जाते हैं तो ये 3x है, ये x और ये 2x, 3x हो गया, 600 और 840 को हटा दीजिए 240 हो गया। अब इस लाइन को आप दो गौर से देखिए और इसके बाद ये x की वैल्यू आप बता पाएंगे, 80 रुपये होता है, 3x बराबर 240 तो x बराबर 80, इसका मतलब ये है तो यहाँ पे 600 से 80 अगर जोड़ दें तो हमें जो है क्रय मूल्य मिल जाएगा, और उसी तरीके से 2x मतलब 160, 840 से इस तरफ मूव करते हुए 160 मूव करेंगे तो भी हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, तो कुल मिला के क्रय मूल्य कितना होगा, 600 से 80 जोड़िए 680, उसी प्रकार 840 से 160 भी घटाने पे और 680 मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको जो 55 रुपये अधिक कहा गया है उसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए, उसके बाद जो भी परिस्थिति दी हुई है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये, ये जो मान लीजिए 100 रुपये का वो सामान खरीदा होता, तो उसके बाद परिस्थिति देखिए 10% हानि, इसका मतलब है कि 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये होगा। 10 रुपये कम कर दीजिए तो जो विक्रय मूल्य है वो हो गया 90। इसके बाद देखिए परिस्थिति क्या कहती है। इसके बाद ये है कि कहा जा रहा है कि इस वस्तु को 20% कम में खरीदता है, जो 100 रुपये में खरीदा गया था वो उससे 20% कम में खरीदा जाता, तो इसका मतलब ये है कि इससे 20% कम का होना मतलब है कि 100 का 20% मतलब -20 होना, मतलब अब ये वस्तु दूसरी परिस्थिति में 80 रुपये में खरीदी होती। तो इसके पश्चात होता क्या? इसके पश्चात कहा जा रहा है कि 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वो 55 रुपये अधिक वाली बात को रुकिए अभी, है ना, 40% का लाभ होता। 80 से अगर हम 40% लाभ की ओर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि 80 का 10% जो होता है 8 रुपये होता है। उसी प्रकार से 40% 32 रुपये होगा, तो 80 से अगर 32 हम जोड़ दें तो 112 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पे हमें मिल चुका है, दो क्रय मूल्य मिला है, ये पहला क्रय मूल्य है, ये दूसरा क्रय मूल्य है। दो विक्रय मूल्य मिला, ये पहला विक्रय मूल्य है, ये दूसरा विक्रय मूल्य है। अब जो कि 55 रुपये अधिक में बेचने की बात थी वो ये थी कि पहली बार 90 में बिका है, दूसरी बार 112 में बिका है। हम अगर 100 मान के चले तो हमारा जो है कितने रुपये अधिक में बिका है, ये देखिए, इस दोनों को माइनस करेंगे आप तो आप पाइएगा कि हमारा 112 में से अगर आप 90 माइनस कीजिएगा तो आपको 22 रुपये मिलेंगे, 22 रुपये मिले। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? 55 रुपये। 22 रुपये का हमारा आया है प्रश्न में 55 रुपये। 22 55 के कितना गुना होता है? देखिए यहाँ एक रखिए, 55/22 कीजिए, 11 से 11 दुनी 22, 11 55 55, 2 से, ये 2.5 गुना, 22 का 2.5 गुना होता है 55। तो इसका मतलब है आपको जो भी वैल्यू पूछी गई है, इस प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि क्रय मूल्य क्या होगा और ये पुराना क्रय मूल्य कितना होगा, और 2.5 गुना अगर आप कर दीजिएगा तो 250 रुपये मिल जाएगा आपको उत्तर। लेकिन अगर प्रश्न अपना लेवल बढ़ाता तो आपसे ये भी पूछ सकता था नया क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप यहाँ 2.5 गुना करते, और अगर आपको ये पूछा जाता है पुराना विक्रय मूल्य कितना होता है तो यहाँ 2.5 गुना, उसी तरीके से नया विक्रय मूल्य यहाँ 2.5 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था? देखिए, इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में जो है, जो मान लीजिए कि कोई विक्रेता के पास डेली जाता है, संतरा का विक्रेता, मान लीजिए मैं डेली जाता हूँ संतरा के विक्रेता के पास और मैं उसे एक 10 रुपये का नोट देता हूँ डेली, और उस 10 रुपये के नोट देने के बाद वो मुझे कुछ संतरे देता है, और कितने संतरे हैं ये मुझे अभी प्रश्न के आधार पे पता नहीं है। अब देखिए, मैं जो संतरे लेने 10 रुपये देकर जाता हूँ, आज गया तो आज मूल्य परिवर्तित हो गया है, आज हो गया है 20% में कमी। अब 20% में कमी हुआ है तो मैं खुश हो गया कि भाव में 20% का कमी हुआ है। इसका मतलब यह है कि 10 रुपये का 10% 1 रुपये और 20% का मतलब है 2 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे, और मैं जितना संतरा लेके आता था वो 8 रुपये में लेके आऊँगा। लेकिन विक्रेता कहता है कि नहीं, आप 2 रुपये मत लीजिए, मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि इस मूल्य के आधार पर जितने संतरे होते हैं 2 रुपये के उतने ले जाइए, तो वो 2 रुपये देने के जगह मुझे नए मूल्य के आधार पर 5 संतरा देता है, ये नए मूल्य के आधार पे 5 संतरा देता है। मैं समझ जाता हूँ 5 संतरा
जो है 2 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि नए मूल्य के आधार पर 2 रुपए की जगह 5 संतरा देता है। अब मुझे तो फिर से 10 रुपए का ही संतरा लेना है, और 2 रुपए का अगर 5 संतरा आया है नए मूल्य के आधार पे, तो 10 रुपए का अगर मुझे निकालना है तो यहाँ गुना 5 करते हैं, 2 10 बन गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं गुना, ये 5 है तो यहाँ पे गुना 5, इसे यही कांस्टेंट नंबर से गुना करूँगा, तो 25 संतरा हो गया। तो आज मैं जो नया मूल्य है उस आधार पे 25 संतरा लेकर आया हूँ। तो अगर मैं आज 25 संतरा लाया हूँ और 5 संतरा अधिक मिला था नए मूल्य के आधार पे, इसका मतलब है कल तक मैं, मतलब पहले तक मैं कितना संतरा लाता था, 20 संतरा लाता था, और कितने रुपए का लाता था, 10 रुपए का लाता था। तो इसका मतलब है पहले मैं 1 संतरा कितने रुपए का लाता था, देखिए अगर 10 रुपए में 20 संतरा आता है तो 1 रुपए में 2 संतरा आएगा और 50 पैसे में 1 संतरा आएगा, मतलब कि 50 पैसा, या फिर 1/2 रुपए में पहले 1 संतरा आता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का झूठा वजन उपयोग करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है ये फॉल्ट बैलेंस वाला प्रश्न होता है, इसमें जो है वजन में हमें एक तरीके से बोला जाए तो धोखा दिया जाता है। इसमें होता यह है कि कहा जाता है कि जो भाव है वो उतना ही है, क्रय मूल्य पर ही सामान बेचा जा रहा है, लेकिन जो वजन होता है उसमें गड़बड़ की जाती है। ऐसे प्रश्न, मतलब देखिए ये भी कहीं ना कहीं मात्रा से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला जो हमने नींबू वाले प्रश्न में बताया था वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या था, जो भी हो, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, यहाँ तो लाभ प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, दुकानदार को लाभ होगा धोखा देने के बाद। तो देखिए अंतर, मात्रा में अंतर और वास्तविक रूप में बेची गई मात्रा, अंतर कितने का है, 1000 ग्राम के जगह अगर 800 ग्राम दे रहा है तो 200 ग्राम का अंतर है, और 200 ग्राम का अंतर है और वास्तविक रूप में वो कितना मात्रा दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पे आप 800 ग्राम लिख लीजिए। जब कैंसिल कीजिएगा 200 से 800 को, तो ये 1/4 आएगा, 1/4 भिन्न रूप से 25% होता है। अगर आप भिन्न रूप से प्रतिशत रूप नहीं जान पाते तो 100 से गुणा कीजिएगा, 4 दुनी 8, 2 हाथ में 20, 4 5 20, तो आपको पता चलेगा ये 25% का जो है दुकानदार लाभ प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1800 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 16% का लाभ हुआ, घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो एक सवाल हम बनाए थे जिसमें सौदे में लाभ और हानि नहीं था, कुछ इसी तरह का प्रश्न है ये। इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे जो तरीका वहाँ अपनाए थे वही तरीका हम यहाँ भी अपनाएंगे। देखिए ये पहला घड़ी, मान लीजिए इस तरीके का कोई घड़ी है, ये दूसरा घड़ी है, 12% का लाभ हो रहा है, और दूसरी दफ़ा इसे कितना प्रतिशत का, 18% का। अब ये एक घड़ी पे 12% और दूसरे घड़ी पे 18% का लाभ क्रय मूल्य पे हो रहा है, संयुक्त रूप उसका क्रय मूल्य 1800 रुपये है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद जो है ओवरऑल जो उसका लाभ है 16% का। अब क्रय मूल्य का जो अनुपात है इस तरफ निकलेगा, यहाँ देखिए ये इससे बड़ा है इससे घटाइए, तो क्रॉस करने पे यहाँ पे इसका अनुपात आ जाएगा 4, और इससे इसको घटाइए तो इसका आ जाएगा 2, 2:4 होता है, इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 6 आता है, और जोड़ने पे 6 आता है, लेकिन हमारे ये क्रय मूल्य का अनुपात है 6 आता है कुल मिला के, लेकिन हमारा क्रय मूल्य 1800 का है, तो 6 से कितना गुना 1800 होता है, देखिए 6 से 3 गुना 18 होता है, तो 300 गुना 1800 होगा। उसी प्रकार से ये घड़ी 300 गुना कीजिएगा तो 600 रुपये की होगी, क्रय मूल्य इसका 600 रुपये होगा, उसी प्रकार इसका अगर 300 गुना कीजिएगा तो 1200 रुपये होगा, तो आपको उत्तर मिल चुका होगा। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न के साथ हम डिस्काउंट टॉपिक पे आ चुके हैं, 2 छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा, जब हम डिस्काउंट निकालते हैं मतलब कि हम अगर छूट निकालते हैं तो वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। अगर मान लीजिए किसी दुकान में आप जाते हैं और अगर आपने मान लीजिए एक टी शर्ट पसंद किया है और ये टी शर्ट
का हम सबसे पहले क्या देखते हैं, टैग देखते हैं, और टैग में जो होता है वो अंकित मूल्य होता है, और ये अंकित मूल्य देखने के बाद हमारा जो नेचर है हम पूछते हैं कि इस पे कितने प्रतिशत का जो है छूट मिलेगा, लाभ मिलेगा नहीं पूछते हैं, छूट मिलेगा। अगर इसने कहा कि 20% का छूट मिलेगा, शॉपकीपर ने आपको कहा है, तो इसका मतलब ये है कि 20% का लाभ, जो भी लाभ था वो दुकानदार अपना कट करके आपको छूट देता है। हाँ, इसके परिणाम स्वरूप भी, इसके पश्चात भी वो दुकानदार कुछ ना कुछ लाभ कमा लेता है। तो ये जो छूट होता है ये दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए कहीं ना कहीं अपनी जगह किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो लाभ और हानि होता है वो सिर्फ व्यापारी और दुकान व्यापारी या दुकानदार को पहुंचाता है। एक बात और, जो अंकित मूल्य होता है, जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पे निकाला जाता है, और जो लाभ और हानि होता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। जो विक्रय मूल्य होता है ये लाभ और हानि की परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता है। उसी तरीके से एक दूसरी ओर से देखें तो विक्रय मूल्य डिस्काउंट की परिस्थिति के हिसाब से भी चेंज होता है। इमेज का सूची मूल्य दिया गया है, एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया हो तो ये फॉर्मूला आपको उपयोग करना है। इस फॉर्मूले में ये होता है कि आपको इसके क्रॉस में इससे रिलेटेड वैल्यू और इसके क्रॉस में इससे रिलेटेड वैल्यू लिखना है। देखिए, अंकित मूल्य जो होता है वो 100% में से घटता है व्यापारी के लिए, तो यहाँ माइनस आ जाता है। क्रय मूल्य वो होता है जो ग्राहक को माफ़ कीजिएगा व्यापारी को कहीं ना कहीं लाभ या हानि पहुँचाता है। जब ये लाभ पहुँचाता है तो यहाँ प्लस पी हो जाता है, जब हानि पहुँचाता है तो माइनस एल हो जाता है। हाँ, अब इसमें ये मत डाउट कीजिएगा कि क्रय मूल्य ऊपर हो तो अंकित मूल्य नीचे हो, ऐसा ही हो जरूरी नहीं। आप किसी को भी ऊपर नीचे कीजिए, लेकिन इसका जो रिलेटेड वैल्यू है वो इस तरफ लिखिए और इसके रिलेटेड वैल्यू इस तरफ लिखिए, क्रॉस में लिखिए। अभी देखिए, इस प्रश्न में जो क्रय मूल्य है वो हमें निकालना है और अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 800 रुपये, और इसमें डिस्काउंट कितना का है, 25% का, तो 100 माइनस 25, और लाभ कितना हो जा रहा है, 20% का, तो 100 प्लस 20। देखिए ये 75 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। देखिए 15 से ये कैंसिल हो सकता है आराम से, 15 5 75, 15 8 120। अब 8 से ये 8 एकम 8, 800 गुना 800। अब ये उस तरफ जब क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा 500, तो इसका क्रय मूल्य आ चुका है 500 रुपये। देखिए, इस प्रश्न में ये है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से रिलेटेड बातें पूछी जाएगी तो आप बटे, देखिए अंश में ये भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन इसका जो रिलेटेड चीज़ है वो इसके क्रॉस में। अगर यहाँ क्रय नीचे होता तो 100 प्लस पी ऊपर होता, इसी प्रकार से अंकित ऊपर होता तो 100 माइनस डी नीचे होता। इस प्रकार से आप प्रश्न को बना लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, दो क्रमागत बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 रुपये में बेचा जाता है, यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जो घड़ी का अंकित मूल्य है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1600 रुपये, और 1600 रुपये अंकित मूल्य होने के बाद एक बार डिस्काउंट मिलता है तो इसकी राशि जो है घटके कुछ हो जाती होगी, इसके उपरांत फिर से डिस्काउंट मिलता है और इसकी राशि घटके कुछ हो जाती है, और जो हो जाती है वो कितनी है, 1224 है। 1224 रुपये में फाइनली वो घड़ी आ जाता है जो 1600 का है। इसमें ये हमें पता नहीं है, और ये हमें पता है कि पहली बार जो डिस्काउंट दिया गया था वो 10% का था। अगर हम 1600 में से 10% का डिस्काउंट दे दें तो हम पाएंगे कि 160 रुपये जो है दाम कम हो जाएगा, और 1600 में से 160 रुपये अगर हम कम करते हैं तो पाते ये हैं कि हम 1440 रुपये तक पहुंच चुके हैं। अब अगला डिस्काउंट जो होगा वो मिलने के उपरांत जो घड़ी का कीमत है वो 1224 हो जाएगा। अब देखिए, अगर 1440 और 1224, बस अब इस तरफ रहिएगा, इसमें देखिए, इसमें जो अंतर है वो कितने रुपए का है, इसमें अंतर देखिए, 10 में से 4 घटाए तो 6 बचा,
ये चार अब तीन बन चुका है, तीन में से दो घटाए तो एक बचा, फिर उसके बाद चार में से दो घटाए तो दो बचा। इन दोनों में 216 रुपए का अंतर है, और 216 रुपए का जो अंतर है, जो डिस्काउंट है, मान लीजिए इतना प्राइस में से 216 का डिस्काउंट है, वो इस पे निकला होगा। तो इसका मतलब ये है कि 216 रुपए का डिस्काउंट अगर 1440 रुपए में निकला होगा तो कितने प्रतिशत का निकला होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1440 ये 216 जोड़ते हैं इसको, 4 1 5 4 9 से विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। ये देखिए 2 1 3 3 6 9, ये दोनों के दोनों 9 से विभाजित हम कर देते हैं, जो प्रश्न बनाने में है समय जो है कम लगेगा। 9 से इसको विभाजित करते हैं, 9 1 9 5 आते हैं, 5 4 54, 9 6 54 और ये 0। इसी प्रकार इसको विभाजित करते हैं, 9 2 18, 3 6 36, 9 4 36। अब यहाँ 24 आ चुका है, यहाँ पे 160 आया, ये शून्य को कैंसिल कीजिए ये शून्य से। फिर उसके बाद ये 24 है, ये 16 है, थोड़ा बड़ा अंक देखिए ना, 8 से देखिए, समय बचाइए, 8 2 16, 8 3 24। अब ये 3 बचा हुआ है, ये 10 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 5 10, इसका मतलब है 3 × 5 = 15, मतलब कि 15% जो होगा ये दूसरा जो है डिस्काउंट होगा, तब जाके एक 1600 वाली घड़ी हमें मिलेगी कितने में, 1224 में। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें दो परिस्थिति दी गई है, पहले परिस्थिति के साथ हमें चल के क्रय मूल्य प्राप्त करना है, उसके बाद जो दूसरी परिस्थिति है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बट्टा ना दे तो फिर लाभ कितना होगा। ठीक है, पहली परिस्थिति का इस्तेमाल करके पहले हम इस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, व्यापारी ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था। फॉर्मूला वही है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का उपयोग है यहाँ पे, क्रय बटा अंकित कीजिए या अंकित बटा क्रय कीजिए, लेकिन खास बात ये रहेगी कि इसका जो फॉर्मूला वेस्ट वैल्यू है वो यहाँ लिखेगा, जो होगा 100 - D। डिस्काउंट हमेशा व्यापारी के लिए नुकसानदायक होता है, जितना डिस्काउंट देगा लाभ उतना घट जाएगा। उसी प्रकार से ये लाभ वाली परिस्थिति है डिस्काउंट देने के बावजूद, तो यह 100 + P। अब क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो यहाँ पे X लिख दीजिए, अंकित मूल्य पता है हमें, यहाँ पे हमने लिखा 4800। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, जो बट्टा उसने दिया था वो 10% का दिया था, 100 में से अगर 10 घटा दीजिए तो 90 होता है। उसी प्रकार से जो उसे लाभ था फिर भी 8% का था, 100 में से 8 जोड़ दीजिए तो 108 होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो दो अंक है ये 9 से ये भी कटता है, 8 1 9, ये भी 9 से कटता है, तो 9 10 90, 9 1 9, 1 हाथ में 18, 9 2 18, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 6 12। अब यहाँ पे 5/6 बचा हुआ है, यहाँ 4800 है, 48 6 से काटेंगे, 6 8 48 होता है, और 2 0 यहाँ का काटे तो 2 0 यहाँ भी लिखती है। अब 800 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उस तरफ जाएगा तो जो है कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा, एक्स कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 4000 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस आ गया है, अब दूसरी परिस्थिति की ओर मुड़ते हैं जिसमें कहा गया है कि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कई ऐसे भी दुकान होते हैं जहाँ पे साफ लिखा रहता है कि फिक्स रेट पे मिलेगा, तो अंकित मूल्य जो होता है वही उसका विक्रय मूल्य हो जाता है, उतने में सामान बिकता है। तो ऐसे दुकानों के लिए ये जो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य है ये 4800 रुपये, और यही जो हो जाता है यही सेलिंग प्राइस भी रहता है, जहाँ पे कोई बट्टा ना दे परिस्थिति हो, बट्टा मतलब डिस्काउंट। अभी देखिए, अब यहाँ से आप पाइएगा कि 4000 का व्यापारी सामान खरीदा है, एक रेडियो खरीदा है, वो 4800 रुपये में बेचा है, तो उससे कितने का फ़ायदा हुआ, 800 रुपये का फ़ायदा हुआ। 800 रुपये का फ़ायदा कितने रुपये में खरीदा, 4000 का खरीद के लाया था, क्रय मूल्य आधार होगा, तो 4000 में 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो मतलब 1/5, 0 से 0 कटा और 8 और यहाँ 40 से, तो 1/5, ये कितना का भिन्न प्रतिशत होता है, 20% का होता है, जो नहीं निकाल पाते यहाँ गुना 100 कीजिए, 5 2 10 और 0, मतलब 20% का लाभ होगा। जो लाभ 8% का हो रहा है डिस्काउंट अगर वो कम कर दे, कम नहीं ख़त्म कर दे, तो उसको 20% का लाभ होगा। इस प्रश्न के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर आप मुझसे कुछ
और भी टॉपिक्स में जानना चाहते हैं, कोई और भी आपके डाउट्स है टॉपिक से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी डाउट होगा, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसका जरूर समाधान किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।